सरकार ने औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को करीब 1000 करोड़ का चूना लगाया। मसलन गुजरात की एक पार कंपनी को 160.26 करोड़ का फायदा महज इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि सरकारी कंपनी GUVNL ने पार परचेज एग्रीमेंट को नहीं माना। गुजरात की एक स्टील कंपनी को 238.5 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। इस कंपनी ने 734 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा किया था जिसे मार्केट रेट से कम दाम पर लीगल बना दिया गया। सूरत के पास हजीरा में एक और कंपनी को सस्ते दामों पर 853 स्क्वायर मीटर जमीन सस्ते दामों पर दे दी गई। इससे सरकार को 128.71 करोड़ का नुकसान हुआ। दो गैर कानूनी ट्रस्टों को 25 करोड़ के नुकसान पर जमीन दी गई। यही नहीं, अमेरिका की ऑटो कंपनी को दी गई जमीन में भी धांधली मानी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी निवेश पर पिछले 5 सालों में भी सिर्फ 0.25% का मुनाफा हुआ है जबकि इसके लिए सरकार को 7.75% की दर से ब्याज अदा करना पड़ा। इसने गुजरात सरकार की कंपनियों पर उठाए हैं सवाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कंपनियों ने बड़े औद्योगिक घरानों को नियमों को दाग पर रखकर फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। सीएजी की ये रिपोर्ट 31 मार्च को गुजरात विधानसभा में रखी गई है। पीटीआई के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार की कंपनियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर लिमिटेड, एसआर स्टील, फोर्ड इंडिया लिमिटेड और एलएनटी को फायदा देने के लिए नियमों का ख्याल नहीं रखा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सरकार की कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड यानी GSPL और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस सप्लाई के लिए करार किया था, जिसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने केजी बेसिन D6 से आ रही गैस को भरूच से जामनगर में अपनी रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए GSPL की लाइन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके लिए करार के मुताबिक भुगतान नहीं किया, जिससे सरकारी खजाने को 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह सरकारी कंपनी गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने करार के मुताबिक काम न करने पर अडानी पावर लिमिटेड से 160 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं वसूला। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने फोर्ड इंडिया लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के लिए नियमों को ताक पर रखकर जमीन अलॉट की।